महापौर संदीप जोशी का बुधवार को सतरंजीपुरा जोन में जनता दरबार। महापौर संदीप जोशी इनका जोन निहाय जनता दरबार चल रहा है। बुधवार को शहर के सतरंजीपुरा जोन में जनता दरबार लिया गया। इस दरबार में कुल 53 शिकायतें महापौर के सामने आई थी। इन 53 में से सबसे ज्यादा शिकायतें अतिक्रमण की होने की जानकारी महापौर ने दी है। मागच्या महिन्याभरापासून नागपूर शहरातले जवळपास आता 6 जोन संपुरलेले आहे। दर आठवड्यात एका झोनला जनता दरबार आपण घेतोय आणि एक झोनचा दरबार घेऊन त्याच्यानंतर 3 ते 4 दिवसांनी पुन्हा फॉलोअप घेत असतो। त्याच्यामुळे नागरिकांना दिलेले निर्देश जे आहे ते झोन बरोबर करता आहे की नाही त्याची कारवाई देखील करतो। मला असं वाटतं या भागामध्ये अतिक्रमणाचा विषय फार मोठ्या प्रमाणात आहे। गडर लाईनच्या थोड्या बहुत समस्या आहे, परंतु विशेषतः अतिक्रमण, नागरिकांचं अतिक्रमण असेल, व्यापाऱ्यांचं अतिक्रमण असेल, हे मोठ्या प्रमाणात दिसत आहे। जनता दरबार में शामिल जनता से हमारी टीम ने बात की तो जनता ने बताया कि नगर सेवक चुनाव में वोट मांगते हुए जनता से रिश्ता बनाते हैं, मगर जीत मिलते ही वही जनता को भूल जाते हैं। उन्होंने महापौर से मांग की है कि प्रभाग के सभी नगर सेवकों की कार्यशाला लेनी चाहिए। मैं प्रभाग पास से 8-10 साल से मैं समाज सेवा करते आ रहा। मेरा नाम सतीश बघेल। मेरे प्रभाग के अंदर में नगर सेवक बीजेपी के नगर सेवक 4 है। वो 4 के अंदर में संजय चावले, प्रवीण बिसेकर और राजू भाई हत्तीडेले और हमारी अभिरुचिताई राजगीर है। ये 4 नगर सेवक है। ये 4 नगर सेवकों के अंदर में इन लोगों ने चुनाव के पहले किसी को माँ बनाए, किसी को बहन बनाए, किसी को बेटी बनाए सिर्फ वोटिंग के लिए। वोटिंग लेने के बाद में आज वो माँ को भी भूल गए, बहन को भी भूल गए और मौसी को भी भूल गए। पूरा दुर्लक्ष हो रहा है। मेरे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, मेरे प्रभाग 5 के अंदर धम्मदीप नगर, इंदिरा माता नगर, इसमें गडर का पानी नल में आ रहा है और वो पानी से हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो सब बीमार हो रहे हैं। नगर सेवक के घर जाओ संजय चावड़े के यहाँ, तो संजय चावड़े की मिसेज बताती है साहब जिम मारने गए। इन लोगों को मेरा कहना है सरकार से कि ये नगर सेवकों को ट्यूशन दिया जाए 3-3 महीने का, और 3 महीने के ट्यूशन के पैसे मैं भर के देने को तैयार हूँ। कि नगर सेवक सेवक किसको बोलते, ये इनको धारा सिखाने की मैं महापौर से और ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी से सबसे मैं यही निवेदन करूंगा कि ये ऐसे नगर सेवक, बड़े नगर सेवकों को साड़ी पहना के, चूड़ी पहना के इनको घर में रोटी बेलने के लिए लगाया जाए। महापौर से बात हुई है, महापौर साहब सिर्फ आश्वासन देते हैं। महापौर, मेरा कहना ऐसा है कि ये जो महापौर साहब यहाँ पे आके बैठे हुए दो पैर वाले दो हाथ वाले यहाँ पे उनके निवेदन अपनी समस्या लेके आए, अगर अभी के परेड में कोई बुजुर्ग है, कोई हैंडीकैप्ट है, तो वो हैंडीकैप्ट अपने घर से महापौर से मिलने जोन तक के नहीं जा सकता। तो मेरा कहना है संदीप जी जोशी अपने महापौर साहब से कि यहाँ का जनता दरबार न लेते हुए प्रभाग के एरिया में हर गरीबों से, हर नागरिकों से पूछेगा तुम्हारा नगर सेवक क्या विकास करके दे रहा है, तब जाके इनकी आँख खुलेंगी। और ये जनता दरबार ये जो लगाने में आ रहा है ये शोबाजी है, पैसे का खर्चा है, शोबाजी है। ऐसा जनता दरबार नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि वरिष्ठ अधिकारी जो भी है सरकार में बैठे हुए, वो हर एरिया में जाके हर गरीबों का सुनवाई करे। जनता के इस मांग पर महापौर ने कहा कि उनके मांग को जल्द ही कार्य में लाया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।